चपुकड़ा कस्बे में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के सभी सरकारी व निजी संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उपखंड कार्यालय टपुकड़ा पर उपखंड अधिकारी सत्यनारायण ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने झंडे को सलामी दी। बालिकाओं ने राष्ट्रीय गीत गाया। उपखंड अधिकारी ने सभी गणमान्य नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। तहसील परिसर में तहसीलदार नानू राम ने तिरंगा फहराया। नगर पालिका कार्यालय पर पालिका अध्यक्ष विजय लक्ष्मी गर्ग ने तिरंगा फहराया। पुलिस के सशस्त्र जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। बालिकाओं ने राष्ट्रीय गीत गाया। इस अवसर पर पार्षद, गणमान्य नागरिक व भारत विकास परिषद के सदस्य उपस्थित रहे। कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर पर भारत विकास परिषद के संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश चंद्रगर, समाजसेवी नरेश चांगिट, मुकेश गुप्ता, रामचरण आदि ने भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। टपुकड़ा जो उपखंड है वो तिजारा उपखंड से अलग होकर इसी वित्तीय वर्ष में इसका सर्जन हुआ है और अभी मैंने ज्वाइन किया 18 जनवरी को। और ज्वाइन करते मैंने कि भी हमेशा गणतंत्र दिवस है वो उपखंड स्तर का भी उस पर आयोजन होता है और सारे स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें और उपखंड स्तर के जितने भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी है, विद्यार्थी है, खिलाड़ी है, उन सभी का भी सम्मान किया जाता है। तो मैंने मीटिंग लेके और प्रथम उपखंड स्तरीय समारोह का आयोजन जो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी है, ब्लॉक ऑफिसर है, चेयरमैन साहब है, इनके सहयोग से हम इसका आयोजन कर रहे हैं और इसको अच्छा रूप देंगे। आगे भविष्य में भी हमें अगर अवसर मिला तो इस उपखंड स्तर के कार्यक्रम को एक भव्य रूप देके गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, दो हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है, उनको भव्य तरीके से मनाया जाए।